तो हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल SMII पे। आइए दोस्तों, बात करते हैं ग्लोबल कैपिटल मार्केट्स की। इस स्टॉक में आज 1.11% की तेजी है। ये जो स्टॉक है 10.091 की प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। 5 डेज में देख लेते हैं, इसमें कंसोलिडेशन चल रही है, 4.21% की गिरावट है, एक रेंज बाउंड काम हो रहा है। 1 मंथ में भी इसी तरह का पैटर्न है और 6 मंथ में देखो ये स्टॉक कंसोलिडेट ही कर रहा है। ओवरऑल 7% की ग्रोथ जरूर हुई है और 1 ईयर में 38% की गिरावट ही जो है वो देखने को मिल रही है। और 5 ईयर में जरूर ये जो स्टॉक है 435% के रिटर्न्स देता दिखाई दे रहा है। तो लॉन्ग टर्म में एक अच्छा पैटर्न जरूर बन रहा है। तो लेकिन अब ये जो स्टॉक है अपने हाईएस्ट लेवल 4K लेवल से बहुत ज्यादा नीचे दिख रहा है, तो क्या अब इस स्टॉक में निवेश करना चाहिए, ये हम आज चेक करेंगे, इसके लेटेस्ट अपडेट जानेंगे। तो नए आए हो दोस्तों हमारे चैनल को, आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें ताकि आने वाले जो वीडियोस है उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। दोस्तों कोई भी स्टॉक हो वो अपनी अपडेट्स के हिसाब से ही चलता है। यदि फंडामेंटल्स के, वैल्यूएशन के या बिजनेस के कोई पॉजिटिव अपडेट आ जाते हैं तो फिर उस स्टॉक में तेजी आती है, लेकिन यदि कोई नेगेटिव अपडेट आते हैं तो फिर वो स्टॉक नीचे ही गिरता है। ये देखो यहाँ पे दिसंबर में कंपनी के नंबर्स नेगेटिव ही आए हुए हैं। रेवेन्यू देख लो, नेट इनकम देख लो, नेट प्रॉफिट मार्जिन देख लो, नेगेटिव ट्रेंड ही शो करते दिखाई दे रहे हैं। तो इसीलिए दोस्तों ये जो स्टॉक है नीचे गिरता दिखाई दे रहा है। जैसे ही इसके नंबर्स नेगेटिव आए तो ये स्टॉक नीचे गिरना चालू हो गया और अब भी इसमें जो है वो गिरावट चल रही है। ये कंपनी फाइनेंशियल सेक्टर की कंपनी है, एक NBFC सेक्टर की कंपनी है, छोटी कंपनी है। इसकी ROE परसेंटेज नेगेटिव है, अभी नेगेटिव 0.12 की ROCE परसेंटेज है। ROE परसेंटेज 0.36 की नेगेटिव वैल्यू है। बुक वैल्यू देखो 1.19 की अराउंड चल रही है, तो बुक वैल्यू के हिसाब से कोई महंगा नहीं है, लेकिन अभी फंडामेंटल इतने सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ROE परसेंटेज, ROCE परसेंटेज लो है, यही सबसे बड़ा यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट है। तो आइए इसके कुछ पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स ले लेते हैं। कि सबसे पहले इसके पॉजिटिव पॉइंट्स देखते हैं। कंपनी एक ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री कंपनी है, जो कि इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। दूसरा, स्टॉक इज ट्रेडिंग नियर इट्स बुक वैल्यू। आप देख सकते हो बुक वैल्यू के हिसाब से ये स्टॉक कोई महंगा नहीं है। एंड डेब्टर्स डे हैव इम्प्रूव्ड टू 201 to 80। डेब्टर्स डे भी जो है वो इम्प्रूव हो गए हैं। और नेगेटिव पॉइंट्स देखें तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो है वो लो है, प्रमोटर की होल्डिंग लो है, ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है। रिटर्न ऑन द इक्विटी इज आल्सो वेरी वेरी लो ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट 3 इयर्स। तो फंडामेंटल्स अभी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। कंपनीज कॉस्ट ऑफ बोरिंग इज वेरी वेरी हाई, ये इसका सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। सबसे जो नेगेटिव पॉइंट है वो दोस्तों ROE परसेंटेज है और कंपनी की प्रमोटर की होल्डिंग बहुत ही कम है। जब तक प्रमोटर की होल्डिंग नहीं बढ़ेगी, जब तक रिटर्न ऑन इक्विटी नहीं बढ़ेगी, इस स्टॉक में इस तरह का पैटर्न जो है वो आपको देखने को मिलता रहेगा। यदि इसके नंबर्स देखें, दिसंबर के नंबर्स देख लो, दिसंबर में कंपनी की जो सेल्स आई थी 0.30 की है और लास्ट ईयर इट वाज 15। और यदि ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें 0.80 से कम होके 0.04 हो गया है, तो फाइनेंशियल्स नेगेटिव है। तो इसलिए दोस्तों अभी इसके नंबर चेक करो, अभी क्वार्टरली रिजल्ट्स नहीं आए हैं, इसके नंबर जरूर चेक कर लो। नंबर चेक करने से पहले कोई भी निवेश इस स्टॉक में मत करो। हाँ, यदि नंबर्स ठीक आ जाते हैं तो फिर एक निवेश का अच्छा मौका जरूर यहाँ पे बन सकता है। तो आइए इसकी अनाउंसमेंट चेक कर लें। यहाँ पे देखो कंपनी ने अपने बोर्ड की जो मीटिंग है वो फिक्स कर दी है। कंपनी हैज फिक्स्ड 28 मई एज द डेट फॉर बोर्ड मीटिंग टू डिस्कस एंड कंसिडर द ऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स फॉर द क्वार्टर एंड द ईयर एंडेड ऑन द मार्च 24। तो कंपनी अपने रिजल्ट्स लेके आ रही है और 28 मई को इस कंपनी के रिजल्ट्स जो हैं वो आ जाएंगे। तो इसलिए वेट कर लो और क्वार्टरली रिजल्ट्स जरूर चेक कर लो। सो थैंक्स अगेन दोस्तों, फिर मिलेंगे नई वीडियोस के साथ। दोस्तों यदि नंबर्स सही आए तो ये स्टॉक फिर तेजी से भाग सकता है, लेकिन नंबर्स थोड़े खराब रहे तो फिर इस स्टॉक में जो है वो कंसोलिडेशन जारी रह सकती है। थैंक्स अगेन, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। दोस्तों हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स अगेन।